हाँ जी, आज दी वीडियो होगी अपना इस टॉपिक ते कि कई बार अपना फोन गवाच जाता है ना, जब कोई चोरी करके ले जाता तो उस कंडीशन की अपना मोबाइल है जो वापस मिल सकता कि नहीं मिल सकता। इस कुछ कंडीशन ने जी, कई कंडीशन मिल भी सकता तो बहुत घट चांस होंगे ने कि मिलता है ना, ज़्यादा चांस होंगे ने कि नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये भी दसांगे अज। सब तो पहला यही एंड्रॉयड की गल करिए, अपनी आई डी वगैरह बनी होंगी है प्ले स्टोर की, तो मोस्टली याद ही होंगी अपने भी ए आई डी, तो उस तो भी आप फाइंड माई डिवाइस करके है ना गूगल से आई डी वगैरह फिल करके लोकेशन लभ सकते हैं। तो यह ऐप की सच्चाई यही है भी कई बार तो यह सही वर्क करता है ना, सही जगह पर लोकेशन दस दिता, तो कई बार एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दसदा, वह लभते रहने इधर उधर। हूँ की पता है कि फोन कितने है ना एग्जैक्ट, आप किसी डायरैक्ट जाके भी नहीं कह सकते कि चैक करा मेरे को तेरा फोन, तेरे को मेरा फोन आ जा है ना। तो ये कंडीशन भी है, तो एंड्रॉयड ये भी होंगे जी, अजक अनलॉक छेती हो जाती है, ये तुम देख सकते हो ना भी अला अपना डॉक्यूमेंट दे के है ना कितों भी दुकान तो यार। अजक वैसे यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो पई ने, कई फोन तो उदा ही अनलॉक कर लेंदा अगला है ना, तो चोर भी मतलब ये काफ़ी एडवांस हो गए ने इस चीज़। तो अनलॉक करना एंड्रॉयड कोई औखी गल नहीं, मे भी थोड़ा जहा ओप्पो दे दिक्कत आती है, ओप्पो का ऑनलाइन होंगे है ना, तो बाकी फोन ईजीली हो जाते ओप्पो भी जाता, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। तो इस कंडीशन से मोबाइल जिहड़ा अपना लभना बहुत मुश्किल है ना, सो अपन फिर न्यू मोबाइल परचेज करना पैंदा। सब तो पहला तो यही है भी जो अपना चोरी होंदा मोबाइल जो गवाच जाता अपना सिम बंद करा दो है ना, तो न्यू सिम कढ़वा लो है ना, यही गल है। एंड्रॉयड का मिलने दे बहुत घट चांस होंगे ने, बट अगर तुसी उस तो बाद कंप्लेट भी करवानी जरूरी है ना, पुलिस कंप्लेट वगैरह कराओ अगर हो सकता, तो पुलिस भी कई बार ट्रेस करके उस चीज़ को मतलब कि मोबाइल में है ना ट्रेस करके उन्होंने प्रॉपर बिल की फोटो तो बॉक्स वगैरह भी नाल ले जाओ, तो बिल की फोटो कॉपी वगैरह थोड़े आधार कार्ड की नंबर वगैरह ये एफ आई आर वगैरह दर्ज करा सकते हो, तो हो सके तो वह भी ट्रेस करके दे सकते हैं। बहुत थोनों पता ही है बहुत घट चांस होंगे ये भी, सो एंड्रॉयड का मिलना भी लगभग नामुमकिन जहा हो जाता, बहुत घट चांस नहीं। अगर थोड़े कई बार चैक हो जाए भी है ना कैमरा वगैरह चैक कर लेता, तो बंदे का स्पेसिफिक बंदे का पता लग सकता भी ये बंदे ने चोरी करे, तो फड़िया जाता, बट अगर आप नहीं पता ना जिमें कि ट्रेन वगैरह से चोरी हो जाता तो बहुत घट चांस ने कि मैं। सो इस करके अपनी सेफ्टी पहले ही रखो, तो ये चीज़ों के चांस बच्चे महल दे मिलने के बहुत घट होंगे ने। सैकेंड है ये आईफोन का जे आप देखिए अनलॉकिंग सिस्टम मतलब कि औखा ना, तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं ना कोस्टली, जो कोई फोन मतलब कि 6-7 की तो गल ही छड़ दो, क्योंकि उन्होंने उस रेंज फोन ही मिल जाते हैं ना जिस रेंज अनलॉक होंगे ने। तो फिर की होंगे जी जो आप महंगा फोन मतलब कि एक महंगी सीरीज का है ना आईफोन चोरी होंगे, तो अपने को फिर आईक्लाउड आई डी भी वगैरह भी होंगे, फाइंड माई फोन भी तो भी आप कई बार नहीं मिलता उस चीज़ ना भी ये रियलिटी है, आप एवं कही जाइए है ना लभ सकते हैं, तो नहीं मिलता उस एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दसदा। तो उस की करते हैं जी, वह चोर ला लो या जिस बंद ने मिले होंगे ना वो की करते हैं फिर किसी बेच देंगे ने, या किमें भी हल पार्ट कट के बेच दिता है ना, क्योंकि आपको पता आईफोन के ओरिजिनल पार्ट की कीमत बहुत ज़्यादा होंगी है ना, तो उस चीज़ भी मोबाइल का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपन यही चीज़ समझनी पैनी है कि ये फाइंड माई फोन वगैरह है ना ये बहुत घट चांस वर्क करते हैं, सो अपनी सिक्योरिटी सानू अप करनी पैनी है, फोन की जो केयर रख्या करो है ना, कितने भी आप बाहर जाने है ना अननोन लोकेशन पर हो सके तो फोन बार बार आप सारा दिन ही फोन च वड़े रहने है ना, तो फोन देख के यूज़ करो है ना, जो आप अनसेफ लगे है ना उत्थे ना यूज़ करो, तो यही आ फोन मिलना बहुत घट चांस होंगे ने। सो कई भरावान एवं सही भी आप फाइंड माई फोन ज
ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਐਪਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਨ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਡਿਸਪਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਬਾਡੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਦਰ ਪਾਰਟ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਫਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੇਅਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਲੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ